मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला विदिशा जिले के ग्राम बमोरी शाला का है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने वाली पुलिस पर एक बदमाश ने डंडा मार दिया, जिससे पुलिस अधिकारी के पैर और सिर में चोट आई है। पुलिस अनुविभागीय के अनुसार दीपना खेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बमोरी शाला में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात PSI रणवीर सिंह कुशवाहा ने अनावश्यक घूम रहे एक वाहन को रोक कर पूछताछ की। इसी दौरान युवक गाड़ी से उतरकर SI पर हमला कर दिया। तो उसने बोला हम चालान नहीं काटेंगे, जो करना तुम कर लेना, अब कुछ कहा तो ठोक देंगे। तो हमने देखा, हमने गया तो उसको पकड़ा, हमने बांस उठा के सर जी को। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल प्रदेश में एक के बाद एक कोरोना कर्मवीरों से मारपीट की घटनाएं एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बामोरी शाला जो कि विदिशा जिले की बॉर्डर अशोकनगर से लग जाती है, वहां पर एक अंतर जिला जांच चौकी बनी हुई है। वहाँ पर हमारे जो PSI हैं रणवीर सिंह, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ पर अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो कल एक 14-15 साल का लड़का जो कि अनावश्यक रूप से बाइक से घूम रहा था, उसको जब रोका और चालान के लिए कहा गया तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि गाड़ी खड़ी करके आप पैसे ले आओ और चालान कटवा लो 250 रुपये का, लेकिन वो नहीं माना और उसने PSI के साथ में मारपीट करना शुरू कर दी। तो उस लड़के को हम थाने लेकर आए हैं और 188 की कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।